हैप्पी ब्लॉग्स देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज के ब्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे रियासती शहर कपूरथला में और मिलाएंगे एक ऐसी हस्ती से जो पीढ़ी दर पीढ़ी घोड़ों की सेवा में लगे हैं, या फिर आप उन्हें घोड़ों का डॉक्टर भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर कहें तो ये इंसान घोड़ों को उनकी लंबी दौड़ के लिए तैयार करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपूरथला के हरविंदर सिंह जी की। आइए हम आपको करवाते हैं उनसे रूबरू। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਪ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਰਾਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੋ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੋ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੇਜਮਾਨ ਆ, ਬੋਲ ਨੀ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੀ ਦੇਖਾਂ ਜੋ ਕੌਣ ਦੇਖ ਕੌਣ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.
सुरेंद्र सिंह जी से, जिन्होंने हमें बताया कि जंग नाम का घोड़ा उनके पास किस कंडीशन में आया था। तो अब हम बात करते हैं इसी घोड़े के मालिक से, जिनका नाम है ऋतिक। मेरा सर नाम है ऋतिक, तो ये अपना घोड़ा और जंग, मेरा नाम जंग है। तो कम वगैरह से तो आप कोई नहीं लगता, शौक लिए रखे बस राइड ली, जो कि दिल किया माड़ा मोटा गेड़ा कड़ लिया चढ़ के। तो इस समय से मेरे ब्रदर ने खुरियाँ लवातियाँ सी कि होर बंदे तो गलत, तो कच्चे पैर च मेक ठोक गई थी, वह करके ये पैर से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हम सर होनी काफ़ी कारीगर ने इधर इन तो सैट करवा आएगा। अपना जेडे कारीगर है कपूरथला सिटी सब्जी मंडी के बिल्कुल सेंटर च शॉप है इन्हें, तो घट्टो घट मेरे हिसाब से 40-50 साल तो यही काम करते आ रहे पीढ़िया तो। इनका बहुत वधिया कारीगर, मतलब घोड़िया के पैर की कोई जिदा की मर्जी प्रॉब्लम हो ठीक कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नहीं भी पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बार कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है।